बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तंदूरी पिज़्ज़ा देसी स्टाइल में, और ये मेरी पर्सनल रेसिपी है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कीमा मैंने लिया है 500 ग्राम, इसको मैंने हाफ कुक किया है। तंदूर की रोटी ली है मैंने 3 अदद, 4 अदद अंडे लिए हैं मैंने। लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है मैंने 3 चम्मच। पिज्जा सॉस लिया है, होममेड है ये। टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें मैंने ली हैं 1-1 अदद और इसको क्यूब्स में काट लिया है। धनिया लिया है मैंने, इसकी कुटी हुई मिर्ची ली है मैंने। जीरा लिया है और काली मिर्ची ली है मैंने 1-1 चम्मच। हल्दी ली है मैंने 1/2 चम्मच और नमक हसबे जायका। तो चले बनाते हैं तंदूरी पिज्जा। कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है, अब इसमें हम लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको हल्का सा सोते करेंगे। इसकी खुशबू आने लगे यहाँ तक भूनेंगे हम इसको। ये अच्छी सी खुशबू आने लग गई इसकी। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमे को हम अच्छी तरह भूनेंगे और चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। कीमा हमारा भून चुका है, अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। कीमा हमारा भून चुका, अब हम इसे निकालेंगे और ठंडा करेंगे। कीमा हमारा ठंडा हो रहा है, अब हम तंदूर की रोटियों को गर्म कर लेंगे। इसको तेल डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। देखें कितनी अच्छी सी गोल्डन सी ब्राउन हो गई है। दूसरी भी हम इस तरह करेंगे। तीनों को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। रोटियां फ्राई हो चुकी हैं, अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। पैन में एक रोटी रखेंगे, इस पे लगाएं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फ्राई किया हुआ कीमा डालेंगे, आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं फ्राई की भी। हरी मिर्च लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, प्याज लगाएंगे,
हरा धनिया डालेंगे। एक अंडा लिया है, इसको अच्छी तरीके से फेंट। अब अंडा डालेंगे, इस तरह डालेंगे कि पूरे पिज्जा पे डाले। स्लो आंच पे इसको पकाने के लिए रख देंगे। ढककर ढक देंगे। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे हम, और दूसरा भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तैयार है हमारा मज़ेदार सा तंदूरी पिज़्ज़ा, और दूसरा भी मैंने यहाँ कुक करने रख दिया है। बायरीज के साथ गार्निश कर लेंगे इसको। और ये दूसरा भी तैयार हो गया है, दूसरा भी मैंने गार्निश कर लिया है। पिज्जा बहुत मजे का बना है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टा पे फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। Thank you.